हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़। जैसा कि मैं आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस में कह रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस समझने के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा, तो ये इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल रूट लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और एकदम टॉप तक, जहाँ आप लोग ट्वेल्थ और नीट और जेई लेवल तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सब मैं इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देन। तो देखिए, धीरे धीरे करके हम लोग इस प्लेलिस्ट में वो सारी फैक्टर, वो सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आज का मैं फर्स्ट टॉपिक लेता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। आप लोग जानते हैं, आपने एलेवेंथ क्लास में पढ़ा है ये पूरा हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ लिखा है, क्योंकि देखिए ट्वेल्थ में एक्चुअली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 से, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है बेसिकली, वो होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा सा, हम लोग इलेवेंथ क्लास में जब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो एक तरह से ये जो जीओसी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन और इसके आगे की चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म इज हाइड्रोकार्बन। देखिए, अगर मैं इस वर्ड को, इस टर्म को स्प्लिट करके लिखूँ, इसको तोड़ के लिखूँ, तो देखो सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि दिस टर्म इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, दैट इज हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन एटम। तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? तो देखिए, हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड व्हिच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सीरीज होगी, इसमें हम लोग एकदम जीरो लेवल से और एकदम टॉप लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने टर्म यूज किया है मेनली। मेनली का मतलब क्या है कि मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन है। मैंने ये नहीं लिखा है कि ओनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए, ओनली का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो ही नहीं सकता, और मेनली का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होंगे लेकिन कुछ अदर एटम और एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए, द कंपाउंड विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद मैं एक और टर्म लिखता हूं यहां पर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखिए डेरिवेटिव का मतलब होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कोई नई बाइक लेकर आते हैं और उस बाइक में अपनी सुविधा के अनुसार उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें, तो दैट इज कॉल्ड द डेरिवेशन ऑफ दैट मोटर बाइक। तो ऐसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन तो वो है जिसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन शामिल है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ अलग थर्ड टाइप ऑफ एटम भी शामिल हो जाए तो हम उसको बोल देंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही किसी कंपाउंड में, उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और अदर एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, तो इनको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, अब थोड़ा सा फोकस रहिए यहाँ, कि द कंपाउंड विच इज मेनली कंपोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, एंड द कंपाउंड विच कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर भी, तो उसको बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और देखो, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको मिलाकर हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मतलब क्या हुआ सीधा सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर मैं और अच्छे से डिफाइन करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, एक थ्योरी थी
एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। तो देखिए मैं यहाँ पे उसको कोट करता हूँ, इन 1815 साइंटिस्ट क्या थे, दैट साइंटिस्ट इज बर्जीलियस। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं पूछता साइंटिस्ट का नाम, लेकिन हम लोग कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, सब पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो इन 1815 बर्जीलियस प्रपोज्ड अ थ्योरी, प्रपोज्ड अ थ्योरी नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए आप लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोगों की नोट मेकिंग हैबिट होनी चाहिए। आप लोग हर चीज़ को नोट जरूर बनाइए। अब जैसे मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोग बिगनिंग से अच्छे नोट बनाएंगे, और जब जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी तो आप लोगों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, लेकिन साथ साथ आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी इस प्लेलिस्ट के साथ में। तो देखिए इन 1815 बर्जीलियस प्रपोज्ड अ थ्योरी, दैट थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस थ्योरी को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं VFT। ठीक, और इस थ्योरी में बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए ही तो ये थ्योरी दी थी, और द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कंपाउंड विच इज ओनली ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड विच इज ओनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म only obtained from living organism are known as organic compound, known as organic compound। अब देखिए आप लोग जैसे कि जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेंड ओनली फ्रॉम आइदर प्लांट एंड या और एनिमल्स। तो जो एनिमल और प्लांट से ही मिल सकते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लेबोरेटरी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बर्जीलियस ने दिया, वो पॉइंट क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, इनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। और इसका रीजन क्या दिया उन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, साइंटिस्ट ने पूछा उनसे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, तो उन्होंने बताया कि एज वी नो दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म a mysterious force is present which make them alive, जो उनको जीवित रखता है, एक जादुई शक्ति है जो उनको जिंदा रखती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो हैव दैट वाइटल फोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वो वाइटल फोर्स, वो जादुई शक्ति होनी ही चाहिए और होती है। That's why organic compound cannot be synthesized in laboratory. So according to Berzelius, what are organic compounds? Organic compounds simply those compounds which are obtained from living organism. So jab living organism se mil rahe hain, iska matlab उन्होंने बोला कि organic compound cannot be synthesized in laboratory. तो इसका कारण उन्होंने बता दिया कि organic compounds जो है उनमें एक vital force present है, इसीलिए वो laboratory में synthesize नहीं हो सकते हैं। तो देखिए 1815 में ये थ्योरी आई बर्जीलियस की, वाइटल फोर्स थ्योरी, लेकिन 1828 में ही, 13 साल बाद ही, एक जर्मन साइंटिस्ट आए, द नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज वोलर, WOHLER वोलर। इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। देखिए तो इन 1828 वोलर
रिजेक्टेड दिस थ्योरी. तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी. ठीक, अब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया है. कैसे किया? क्योंकि वोहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया. तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था सर? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज यूरिया. जैसे इन्होंने क्या किया, वोहलर ने एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट. दैट कंपाउंड इज अमोनियम साइनेट. और अमोनियम साइनेट कंपाउंड को इन्होंने किया हीट. तो हीट करने से क्या हुआ, देखो हीट करने से ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में, NH2CONH2, दिस इज यूरिया. और देखिए यूरिया, और आप लोग जानते हैं यूरिया कहाँ मिलता है सर? यूरिया ह्यूमन यूरिन में प्रेजेंट होता है. तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि यूरिया को ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम दी यूरिन. लेकिन वोहलर साइंटिस्ट ने यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया यूरिन में फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस अमोनियम साइनेट. तो दिस थ्योरी गॉट रिजेक्टेड. वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बाई वोहलर साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, दैट इज यूरिया. तो आपसे कभी वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन साइड दी लेबोरेटरी, तो दैट वॉज यूरिया. अच्छा, फिर इसके बाद तो फिर और भी साइंटिस्ट आए. एक साइंटिस्ट आए कॉल्बे. कॉल्बे ने सिंथेसाइज किया एसिटिक एसिड लेबोरेटरी में, एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर दिया. ऐसे ही एक साइंटिस्ट आए बर्थलॉट, इन्होंने मीथेन को सिंथेसाइज कर दिया. तो एक तरह से फिर तो ट्रेंड स्टार्ट हो गया. एक बार थ्योरी फेल हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके बाद वोहलर ने यूरिया बनाया, कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया और बर्थलॉट ने मीथेन बना दिया. तो ये थ्योरी कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गई. और फिर एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. जैसे अभी मैं आपको एक रिसेंट एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि आर्टिफिशियल, मतलब सिंथेटिक चिकन इज ऑल्सो अवेलेबल इन चाइनीज मार्केट. चाइना में कुछ ऐसे मार्केट भी हैं जहां पर लेबोरेटरी में तैयार किया गया चिकन अवेलेबल है खाने के लिए. ऐसे ही आप लोग सुनते भी होंगे कि चावल है, प्लास्टिक का चावल है, गर्म कर दो बड़ा हो जाता है. तो ये वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. तो सीधा सा मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास एक टर्म आता है, दैट टर्म इज, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो देखिए हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने वाले हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, उसका उन कंपाउंड का आइसोलेशन, उनकी प्योरिफिकेशन टेक्निक, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with isolation, purification and synthesis of organic compound. चलिए, तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं. अब देखिए, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग अपने यहाँ 11, 12th और JE लेवल का, नीट लेवल का पढ़ते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली कार्बन स्केलेटन पाया जाता है. मतलब कंपाउंड्स में कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, फिर हाइड्रोजन और फिर अदर एटम्स पाए जाते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमें कार्बन की करेक्टरिस्टिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कार्बन हैज़ द यूनिक करेक्टरिस्टिक, दैट्स वाई कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. जैसे मैं आपको बताऊं, कार्बन की अगर मैं अकरेंस की बात करूं, देखिए सिंपल, अगर मैं अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करता हूं, अकरेंस ऑफ कार्बन, तो देखिए एटमोसफेयर में मिलता है. एटमोसफेयर में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? एटमोसफेयर में कार्बन मिलता है CO2 की फॉर्म में. और क्या परसेंटेज है इसका? इसका परसेंटेज है 0.03% इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, अच्छा, अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है कार्बन. अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलेगा? अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है कार्बन. ठीक है, कितने परसेंट में मिलता है? ये मिलता है केवल 0.02%.
अच्छा कभी कभी ये प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है, कार्बन जो है प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है। कार्बन की प्योर फॉर्म कौन कौन सी हैं? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट और डायमंड है। और ये तो बहुत रेयर फॉर्म है, कार्बन की बहुत रेयर फॉर्म है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट फाउंड इन रेयर अमाउंट। ठीक है, तो अगर मैं टोटल अमाउंट देखूँ एटमोसफेयर और अर्थ क्रस्ट का लगा के, तो ये तो बहुत कम परसेंटेज बनेगा। लेकिन फिर भी कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ हैशटैग लगा के, कार्बन फॉर्म्स लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड। वो क्यों बनाता है उसको समझिए। कार्बन फॉर्म लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कार्बन की कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक हैं ड्यू टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। इसको समझिए, टेट्रावेलेंट। तो आप लोग जानते होंगे व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी सिंपली मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखूँ तो 1s2, 2s2 और ये बन जाता है 2p2। ठीक है, अच्छा ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि कार्बन अभी किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। लेकिन जैसे ही कार्बन से कोई कंबाइंड होने के लिए आएगा, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा सर? ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। मैंने स्टार लगा दिया इस पर। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, देखिए उसको समझिए। यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 2p के हैं ही, ये 2p के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2s से जंप कर जाएगा 2p में। तो देखो ये क्या है, 2s1, ये 2p3। तो अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब टोटल कितनी कोवेलेंसी है, मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंसी आ रही है 4। अच्छा ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी आ रही है, केवल 2 आ रही है, मतलब इट कैन फॉर्म ओनली 2 कोवेलेंट बॉन्ड। बट एज द कार्बन स्टार्ट कंबाइनिंग टू सम अदर एटम्स, इट्स कोवेलेंसी बिकम 4। तो दैट्स व्हाई इट्स कोवेलेंसी इज 4, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। और ये इसका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जब कार्बन किसी के साथ कंबाइन करेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक है दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। अब देखिए हमको ये तो पता चल गया कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं सर, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि देखिए एस और पी में तो पी का एक्सिस पता होता है हमको, पी एक्स है या पी वाई है या पी जेड है, या हम लोग पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो पी वाई या पी जेड पी जेड। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल इन नेचर है, और डायरेक्शनल है उसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि इट विल शो आइसोमेरिज्म। कोवेलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म कैन शो आइसोमेरिज्म, आयनिक बॉन्ड नेवर शो आइसोमेरिज्म, को आयनिक बॉन्ड ओनली सो आइसोमॉर्फिज्म, जो आप लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में 9th क्लास में। चलिए तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, डायरेक्शनल है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब इसमें क्या है, आइसोमेरिज्म है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन और एक और कंपाउंड है आइसोब्यूटेन, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ब्यूटेन की अलग प्रॉपर्टी है, आइसोब्यूटेन की अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, देखिए कैटिनेशन है जैसे आप लोग, मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। जब छोटी जो प्ले प्ले स्कूल्स होते हैं, जब छोटे बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चे स्कूल से निकलते हैं, क्लास से निकलते हैं, तो वो एक दूसरे का बैग पकड़ के रखते हैं, पूरी एक लाइन बना के रखते हैं। तो वहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट ने बैग पकड़ रखा है, फिर तीसरा चौथा, एक लाइन बन गई है। सेम वे में कैटिनेशन में क्या होता है कि आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन। तो कैटिनेशन इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट, नॉट ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट की नहीं है, कुछ एलिमेंट की है। तो कैटिनेशन सिंपली मीन्स
सेल्फ जॉइनिंग, सेल्फ जॉइनिंग कैपेसिटी ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ऑफ आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो देखिए आइडेंटिकल एटम्स की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जिससे वो लॉन्ग चेन बना देते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। और ये कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, मतलब कार्बन की ये कैटिनेशन टेंडेंसी पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है। उसका कारण क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बनता है इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। कार्बन कार्बन के बाद आता है सिलिकन और सिलिकन, इसकी बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन से थोड़ी सी कम है, तो कार्बन कार्बन में कैटिनेशन सबसे ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग जानते हैं हमें क्लासिफिकेशन की नीड कब पड़ती है, जब हम चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करके सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन में दो टाइप हैं, हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की बेसिस पे। हम लोग जानते हैं कार्बन चेन बना के रखता है क्योंकि कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा है। और बी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है हम लोग समझेंगे, पहले ए क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए ए हेडिंग लगाता हूँ मैं यहाँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एंड द फर्स्ट ए क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन एक हम सीरीज ही चला रहे हैं GOC सीरीज, तो हम लोग सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रॉडली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है दैट इज ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब है सिंपल सा लीनियर चेन कंपाउंड, और इन्हीं ओपन चेन कंपाउंड को ही बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। धीरे धीरे करके हम लोग यही पढ़ने वाले, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसी चार्ट की हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग एलिफैटिक पढ़ेंगे, फिर आगे चल के कंपाउंड मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे इस तरह से। तो देखिए ओपन चेन कंपाउंड, सेकंड ब्रॉड कैटेगरी बनती है दैट इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो देखिए क्लोज चेन कंपाउंड का मतलब है साइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा देखिए एलिफैटिक कंपाउंड्स को फिर फर्दर हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। द फर्स्ट टाइप इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। आप लोग जानते हैं सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल बन गया एल्केन, और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल बन गया एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है सर। तो ये हो गया मेरे पास ओपन चेन कंपाउंड, जिसको हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। दी साइक्लिक कंपाउंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए नाम से ही पता चला है होमोसाइक्लिक का मतलब है कि जो क्लोज्ड चेन है, जो साइक्लिक चेन है, जो साइक्लिक रिंग है, उसमें केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है,
और दूसरा जो कैटेगरी बनती है दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है कि कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए डेफिनेशन मैं यहां लिखता हूं, नहीं लिख रहा, होमो मीन्स सेम यूनिफॉर्म, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है कि ऐसी साइक्लिक चेन जिसमें केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है और यहां कार्बन एटम के अलावा कुछ अदर एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर फर्दर हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, पहला है एली साइक्लिक और सेकेंड हेडिंग है एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं को अलग अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग एल्केन का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, एल्कीन एल्काइन का अलग चैप्टर, फिर एरोमेटिक कंपाउंड का अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो यही चार्ट पेपर को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखो हेट्रोसाइक्लिक में भी हम लोग यही हेडिंग बनाते हैं, एली साइक्लिक एंड द सेकेंड टाइप इज एरोमेटिक। देखो मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड का सीधा सा फंडा बताऊं, ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में, या ऐसे समझिए कि 100 साल 200 साल पहले, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता था ऐसे कंपाउंड जिनमें से कुछ एरोमा आती है, जिसमें से कुछ स्मेल आती है। ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग सौंफ अपने घर में यूज़ करते हैं, सौंफ में स्मेल आ रही है, इसका मतलब सौंफ एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो जो क्राइटेरिया था एरोमेटिसिटी डिसाइड करने का वो केवल ओडर होता था, वो केवल स्मेल होती थी, लेकिन अब ये सिनेरियो, अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब क्या हो गया है? हम पढ़ेंगे उसको। देखो एली साइक्लिक कंपाउंड का सीधा सा फंडा क्या है, एक्चुअली में एली साइक्लिक होमोसाइक्लिक में पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब कि रिंग में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो ये जो एली साइक्लिक कंपाउंड है ये बेसिकली बनते एलिफैटिक कंपाउंड से ही है, ऐसे समझिए। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ बनाता हूँ पूरा, ये जो नीचे वाला चार्ट है इसको यहाँ बनाऊँगा। देखो होमोसाइक्लिक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से, होमोसाइक्लिक के दो पार्ट करे हैं मैंने, एक है एली साइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एली साइक्लिक को समझिए, एली साइक्लिक एक्चुअली में दो टर्म से मिलकर बना है, दैट इज एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, मतलब एलिफैटिक कंपाउंड की ही साइक्लिक चेन बना दी गई है। जैसे मान लो मेरे पास है CH3CH2CH3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेन। आगे चल के हम लोग नॉमनक्लेचर भी पढ़ेंगे प्रोपेन। अब मैं इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के इसको रिंग बना दूं कैसे भी, तो देखिए मान लीजिए मैंने इसको कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि ये साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसे, तो अब इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। मतलब जो किससे बना है, जो पहले था एलिफैटिक लेकिन अब बन गया साइक्लिक, तो प्रोपेन से क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन तो सिंपल एलिफैटिक कंपाउंड है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन एक एली साइक्लिक कंपाउंड है जो किस कैटेगरी का है? होमोसाइक्लिक का है, क्योंकि रिंग में केवल कार्बन एटम आ रहे हैं। ऐसे मान लो मैंने लिया CH3CH2CH2 और CH3, ये ब्यूटेन है, मैं ब्यूटेन को ऐसे बना दूं CH2CH2 this CH2 and this CH2, तो ये क्या बन गया? ये बन गया साइक्लो ब्यूटेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो ब्यूटेन तो है एलिफैटिक कंपाउंड, लेकिन मैंने एनी हाउ इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड नेम्ड एज साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन एली साइक्लिक कंपाउंड है एंड ब्यूटेन एलिफैटिक कंपाउंड है। तो ये हुआ मेरे पास एली साइक्लिक का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आता हूं मैं एरोमेटिक में। अच्छा एरोमेटिक में अब क्या कॉन्सेप्ट है? अब ये कॉन्सेप्ट है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो एरोमेटिक है। मतलब एरोमेटिसिटी के लिए क्या फैक्टर ला दिया? कि बेंजीन होना चाहिए। फिर इसमें भी चेंज कर दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट आए हकल्स, उन्होंने अपना एक रूल दिया, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो जो कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में जब हम लोग आइसोमेरिज्म वगैरह डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, बेंजीनोइड मतलब जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीनोइड, और दूसरा है नॉन बेंजीनोइड। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग है, और एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बेंजीन नहीं है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक है। तो देखो बेंजीन में कौन कौन से आते हैं? बेंजीनोइड में सेम बेंजीन आ जाएगा, ठीक है,
ऐसे ही फिनॉल आ जाएगा, फिनॉल। ऐसे ही नेफ्थलीन आ सकता है, नेफ्थलीन, दो बेंजीन रिंग को जोड़ दीजिए लाइक दिस, नेफ्थलीन, ठीक है। एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, अब नॉन बेंजीनॉइड में क्या है? नॉन बेंजीनॉइड में है मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, द वन एग्जाम्पल इज ट्रोपोलोन। वन एग्जाम्पल इज ट्रोपोलोन। कैसे? देखिए ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, इसमें सेवन रिंग है और इस तरह से यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहां पर सिंगल बॉन्ड OH है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोलोन। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक है। तो ये बेंजीनोइड न्यूक्लियस वाला एरोमेटिक है और ये नॉन बेंजीनोइड वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये मैंने पढ़ा है इसमें होमोसाइक्लिक में। अच्छा, ऐसे ही मैं हेट्रोसाइक्लिक को पढ़ सकता हूँ, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जहाँ पर रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम प्रेजेंट हो। तो हेट्रोसाइक्लिक को भी मैंने ऐसे ही क्लासीफाई किया है। देखो एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को फिर मैं यहाँ पर उसी तरह से करूँगा, बेंजीनॉइड एंड नहीं सॉरी इसको नहीं करेंगे हम लोग। तो हेट्रोसाइक्लिक में एलीसाइक्लिक का मतलब वही हो गया, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, लेकिन इसमें कार्बन के अलावा अदर चेन प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है, मेरे पास ये है साइक्लोपेंटेन। अब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दिया तो अब इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अगर मान लीजिए मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, टेट्रा हाइड्रो एंड फ्यूरेन। आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे एक और बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा ये साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पर इसकी जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसको बोल देते हैं पाइपेरिडीन। दिस इज पाइपेरिडीन, ठीक। अब एरोमेटिक पर आ जाइए। एरोमेटिक में जैसे एक कंपाउंड है एंड दिस इज नोन एज पाइरिडीन, इट इज नोन एज पाइरिडीन, ठीक। तो ये है मेरे पास, ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है जो हम लोग एक एक करके सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं कि एलिफैटिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स है, एलिफैटिक कंपाउंड का, दैट इज पेट्रोलियम। एलिफैटिक कंपाउंड इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम दैट इज कोल। तो दिस इज द प्राइमरी सोर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑप्टेन फ्रॉम कोल एंड एलिफैटिक कंपाउंड्स आर ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चल के बी कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीधे से समझ रहे हैं कि कार्बन स्केलेटन है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में कार्बन की बॉन्डिंग है, सिंपली इस तरह से। अब देखिए इसको मैं बोल देता हूँ हाइड्रोकार्बन, ये सिंपल बिकॉज इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम क्या करें कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए मैंने अभी वन हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा दिया, तो जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटाया तो मेरे पास इस कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो चुकी है। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग कुछ अदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पर OH लगा दिया तो दैट ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। समझिए दोबारा से, अभी यहाँ पर ये क्या है, सिंपल इट इज हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ पर इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्योंकि यहाँ पर मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ अदर एटम भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो जो अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम मैंने जो इंट्रोड्यूस किया है, दिस ग्रुप ऑफ एटम इज टर्म्ड एज द फंक्शनल ग्रुप।
तो मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन डिराइव कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप उसको समझिए आप। इट इज डिफाइंड एज एटम, सिंगल एटम भी हो सकता है, ऑब्लिक ग्रुप ऑफ एटम। इट इज डिफाइंड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज या विच टेक प्लेस द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच टेक प्लेस द पोजिशन ऑफ डिस्प्लेस्ड एटम, ऐसे कर देता हूं, जो एटम डिस्प्लेस हुए हैं, विच टेक प्लेस द पोजिशन ऑफ डिस्प्लेस्ड एटम्स, ठीक, एंड सेटिस्फाइड द वैलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया आप लोगों के। अब और थोड़ा सा समझिए कि दीज फंक्शनल ग्रुप डिसाइड फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये, कि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। और ये जो कार्बन स्केलेटन, जो कार्बन चेन है, बेसिकली कार्बन चेन डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे ये सिंपल क्या था, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में, जैसा कि अभी आगे चल के भी समझाएंगे हम लोग, अभी बता देता हूँ एक पॉइंट कि हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव। जैसे हाइड्रोकार्बन का सिंपल एग्जांपल हम अपने घर का लें, तो जैसे केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, एंड नाउ इट बिकम एल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन और ये क्या बन गया, सिंपल एल्कोहल। तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाने से इसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जैसे ये हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसॉल्युबल थे, लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो ये वाटर में क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए। और ये अगर ये मान लीजिए एल्कोहल 3 डिग्री का भी बन जाता है तो ये एसिडिक नेचर भी शो कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमारे, जो मैंने लिखी है यहाँ, कि दिस फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कि अभी मैंने OH की जगह मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया गया होता, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये पूरा कंपाउंड क्या बन जाता, एसिडिक नेचर शो करने लग जाता और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता ये। तो सीधी सी बात है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कार्बन चेन डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन सिंपली ऑब्जर्व्ड। जैसे कोई कंपाउंड दिखने में कैसा है, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। या उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है या बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर रहा है या रेड टर्न कर रहा है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो आगे चल के जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे GOC में भी आगे चल के, तब वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं। देखिए तो अब ये फंक्शनल ग्रुप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप आर द बैक बोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितना इंपॉर्टेंट कार्बन है उतना ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शनल ग्रुप है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो अब देखिए हम लोग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ लिखूंगा मैं फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा उसका नेम, फॉर्मूला और नेम। चलिए अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये पूरा ये प्रायोरिटी ऑर्डर में टेबल है, क्योंकि आगे चल के हम लोग को IUPAC नोमेनक्लेचर भी डिस्कस करना है, तो इसी टेबल से हम लोग फंक्शनल ग्रुप की सुपीरियरिटी को भी डिसाइड करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज सल्फोनिक एसिड, SO3H फॉर्मूला है। अच्छा ये मैंने एक बॉन्ड बना दिया, मतलब S की एक वैलेंसी खाली है, तो इट्स नेम इज
सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड मिनरल एसिड है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सेकंड पर आता है दिस इज सी डबल ओ एच, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी ऑर्डर में ही मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी एज सच अपने नोट्स में इसको लिखेंगे। एंड द थर्ड वन इज एसिडिक, इट इज एसिड एनहाइड्राइड, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड थे यहाँ, सिंपली और अच्छे से समझाऊं, और यहाँ से H2O निकाल दिया हमने तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया ये CO और यहाँ पर ये O, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर देखें हम लोग फोर्थ में, दैट इज COOR, इट इज ईस्टर। आप लोगों को ये ऑर्डर इसी में याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, देन ईस्टर, एंड देन कम टू COX, एक्स का मतलब है यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और इसको बोलते हैं हम लोग एसिड हैलाइड, दिस इज एसिड हैलाइड। ऐसे ही सिक्स CONH2, इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। चलिए फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेवन, दैट इज साइनाइड, या इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। ऐसा ही इसका एक और फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज NC, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग नाइन्थ पर, दैट इज एल्डिहाइड, CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद टेंथ पर आता है दैट इज कीटोन, दिस इज कीटोन, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के बहुत डिटेल में। नाउ कम टू द इलेवेंथ, यही बना देता हूँ मैं टेबल, यहाँ पर फॉर्मूला और यहाँ पर नेम, एक दो और बचे हैं। फिर कीटोन के बाद आ गया OH एंड दिस इज नोन एज एल्कोहल, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्कोहल। नेक्स्ट SH, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। और लास्ट में मैं पढ़ देता हूँ दैट इज NH2, इसको बोलते हैं अमीनो, इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दैट वी हैव टू डिस्कस लेटर ऑन। हम लोग हर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे और वहाँ पर और अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक COOH है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो गया, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में आएगा। ऐसे मान लो किसी में OH है तो वो एल्कोहल की सीरीज में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है डियर स्टूडेंट, एंड दैट टर्म इज सीरीज, उस सीरीज का एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज होमोलोगस सीरीज, तो दैट वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज होमोलोगस सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 11th क्लास में तो थ्योरेटिकल चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, what do you mean by functional group, what are the characteristic of functional group, तो हम लोग सारी चीज़ें include कर रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर 11th 12th GOC series। मतलब ये है कि हम लोग कोई भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपने अच्छे से नोट्स बना लिए तो ये तय है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या है उसको समझिए, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्केन, आप लोग जानते हैं एलिफैटिक कंपाउंड है एल्केन। ऐसे ही मैं एक एलिफैटिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड लिखता हूँ दैट इज एल्कीन, और ऐसे ही यहाँ पर लिखता हूँ एल्काइन। ठीक है, और इनके जनरल फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 12th क्लास में हैं और 11th की चीज़ें, 12th की चीज़ें आप लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का जानते हैं आप लोग दैट इज CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2, वेयर वॉट इज दिस n रिप्रेजेंट, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अच्छा, अगर मैं अब एल्केन में कंपाउंड्स बनाऊं कि फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, इस तरह से, तो देखिए
एल्केन में एन इज इक्वल टू वन लेता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो सी वन एच फोर। इसमें इस सी एच फोर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए आपके सामने सी एच थ्री और मैंने इसको लिख दिया एच। अब मैं आता हूँ एन इज इक्वल टू टू पर, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज सी टू एच सिक्स। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सी एस थ्री और ये एच लगा ही हुआ है सी एस थ्री एच, इसके बीच में एक सी एस टू और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं टोटल दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम, टोटल छः हाइड्रोजन एटम है, तो देखो थ्री प्लस टू प्लस वन। तो आप लोग जब एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर जा रहे हो एक सीरीज में, फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पर जा रहे हो, तो आपने क्या ऐड किया है, वन सी एस टू ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाइए आप लोग एल्कीन पर। एल्कीन में जो फर्स्ट मेंबर है, एल्कीन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है, उसमें दो कार्बन एटम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग याद रखना, क्योंकि एल्बी देखिए एल्कीन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एटलीस्ट टू कार्बन एटम मस्ट बी देयर। तो एन इज इक्वल टू टू है, तो क्या बनेगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा सी टू एच फोर। अच्छा मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और ये एच। अब मैं आता हूँ इसके सेकेंड मेंबर पे, सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन एटम होंगे, थ्री, तो ये फॉर्मूला बनेगा सी थ्री एच सिक्स। तो देखो ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ आ जाएगा सी एस टू और ये हाइड्रोजन ये रहा। तो यहाँ भी आप लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड मेंबर से थर्ड मेंबर पर जाने पे आपने क्या ऐड किया है, वन सी एस टू ग्रुप। यहाँ भी क्या ऐड किया है, वन सी एस टू ग्रुप। ऐसे अब यहाँ आइए, एन इज इक्वल टू थ्री, सॉरी एन इज इक्वल टू टू। इसमें फर्स्ट मेंबर में भी दो कार्बन एटम होंगे, क्योंकि एटलीस्ट टू कार्बन एटम मस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या आएगा सर, सी टू एच टू। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। अगर मैं इसके सेकेंड मेंबर पर जाता हूँ जिसमें तीन कार्बन एटम है, तो ये फॉर्मूला बनेगा सी थ्री एच फोर। तो ये फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, सी एस टू ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ भी इस सीरीज में भी आप जब सेकेंड मेंबर से थर्ड मेंबर पर जाते हो, तो आपको वन सी एस टू ग्रुप ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ से होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन निकल कर आएगी। अच्छा ये तो मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन लिए, यहाँ सिंपली आप लोग कोई फंक्शनल ग्रुप ले लो यहाँ पर। अच्छा मान लीजिए मैंने ले लिया एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल बनता कैसे, बेसिकली हम लोग एल्केन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, सी एन एच टू एन प्लस टू, तो इसमें ऑक्सीजन और ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं एल्कोहल सीरीज के फर्स्ट मेंबर की बात करूँ, तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा, वन। तो देखो ये बनेगा सी एच फोर और ये ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एल्कोहल की फॉर्म में, दैट इज सी एच थ्री ओ एच, ठीक है। अब मैं आ गया एन इज इक्वल टू टू पर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी टू एच सिक्स ओ। इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, सी एच थ्री ओ एच क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सी एस टू ग्रुप ये आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग इसके नेक्स्ट मेंबर पे जाओगे, तो ये बनेगा सी थ्री एच एट ओ। आप इसको ऐसे लिखोगे सी एस थ्री सी एच टू और ओ एच, ये तो ये वाला में। अब जैसे ही आप लोग थर्ड पर आओगे, तो यहाँ पे एक सी एस टू ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पर गए हैं तो सी एस टू ग्रुप ऐड हुआ है, सेकंड से थर्ड पर गए हैं तो सी एस टू ग्रुप ऐड हुआ है। एक और चीज़ बता दूँ आपको, सी एच टू ग्रुप ऐड होने का मतलब है कि देखो कार्बन का 12 ग्राम और दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो टोटल कितना मॉलिकुलर वेट इंक्रीज हो गया है, 14 ग्राम। तो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में फर्स्ट मेंबर से सेकंड, सेकंड से थर्ड जाओगे, तो हर बार मॉलिकुलर वेट कितना बढ़ेगा, 14 ग्राम बढ़ेगा। तो अब मैं यहाँ से होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन को ड्राइव करता हूँ। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन, द सीरीज विच इज ऑप्टेन बाई एडिंग, विच इज ऑप्टेन बाई एडिंग वन सी एच टू ग्रुप, वन सी एच टू ग्रुप आफ्टर ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर। लगातार मेंबर होने चाहिए वो, मैं इसको भी क्लियर करूंगा, आफ्टर ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर। और होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे देखो
एल्केन में जनरल, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, तो यहाँ पे मैं जनरल फार्मूला की बात करूँगा। तो देखो जनरल फार्मूला सेम है सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, यहाँ एल्कीन के लिए, सबके लिए जनरल फार्मूला सेम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्सिक्यूटिव मेंबर की बात करते हैं, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कार्बन एटम वन से टू पर जाओगे, मतलब फर्स्ट मेंबर से सेकेंड मेंबर पर जाओगे, तो यू हैव टू ऐड वन सी एस टू ग्रुप। लेकिन अगर वन से थ्री पर जाओगे तो वन सी एस टू नहीं ऐड होगा, तब टू सी एस टू ग्रुप ऐड होगा। तो मैंने जो वन सी एस टू ग्रुप लिखा है वो किस लिए लिखा है, वो इज ऑप्टेड बाई एडिंग वन सी एस टू ग्रुप आफ्टर ईच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर, इस पर अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे होमोलोगस सीरीज की करेक्टरिस्टिक बताने लगूँ आपको, तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट क्या है कि दे शुड फॉलो सेम जनरल फार्मूला, इन सबका, सभी मेंबर का जनरल फार्मूला क्या है वो सेम रहेगा। जैसे एल्कोहल में सब मेंबर का जनरल फार्मूला क्या रहने वाला है, OH। अच्छा, अगर सेम जनरल फार्मूला रहेगा तो इसका मतलब अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए मुझे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, नहीं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में आफ्टर ईच मेंबर वी हैव टू ऐड वन सी एस टू ग्रुप, इसका मतलब मॉलिकुलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिसाइडेड बाई द कार्बन स्केलेटन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में ये इंपॉर्टेंट फोर कैरेक्टरिस्टिक हैं, और भी देखिए कि इन सबका जनरल फार्मूला सेम है। जैसे एल्कोहल होमोलोगा सीरीज में सभी मेंबर इसी वाले फार्मूले को फॉलो करेंगे, इसका मतलब इनके जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे हम उनसे सभी एल्कोहल को बना सकते हैं, जिस मेथड से मैं इसको बना सकता हूँ उसी मेथड से मैं इसको भी बना सकता हूँ, बिकॉज दे फॉलो द सेम जनरल फार्मूला। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। तो देखिए स्टूडेंट, अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसका रिजेक्शन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम सिस्टम का पूरा एक वीडियो होगा और आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम का पूरा एक वीडियो होगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, 12th क्लास के साथ साथ आप लोग इस सीरीज को भी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और जो जेई और नीट को टारगेट बना के चल रहे हैं तो उनके लिए तो ये एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करेगा, ठीक है। तो पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।